विक्की नू शक पै गया भी ये बंदे शकी है भी खतरनाक है। विक्की ने टेक का टेलीफोन ला के उत्ते मुंडे नू सदन ला गया, तीसरी मंजिल से मुंडा बैठा है ताकि मेरी हैल्प कोई करे। एकदम हाँ जी वो 2 साल तो एक घरड़ी है, एक मुंडा कनेडा च गया वो बहुत फसा रहा कल, एक कुड़ी है बस। विक्की का ही बहुत सी गोली बची हुई सी, थल्ले डिगे पे सी जी। मैडम उन्होंने अंदर ता बिठाता सी, कहता मैं तू बोलना नहीं है जी। उन्होंने लॉक भन्निया जी, लॉक भन्न के पिछों भजे है। फिर उम्मीद है कि जड़े भी वारदात इन्वॉल्व ने क्रिमिनल्स उन्होंने जल्दी पकड़ा। मोगा दे विच एक सुनियारे दी दुकान च वड़ के 5 व्यक्तियां ने वारदात नूं अंजाम दिता ते गोलियां मार के सुनियारे दा कतल कर दिता, जिस दे चलदे पूरे पंजाब च रोस वेखण नूं मिल रिहा है। मृतक दे परिवार वालियां ने कैमरे सामने आके कई खुलासे कीते ने। समूह कारोबारियां वल्लों अज रोस वजों बाजार बंद करके कातलां नूं फड़न दी मंग कीती है। कातलां दे ना फड़े जाण कारण शहर वासियां वल्लों रोस जाहिर करदे होए शहर नूं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिता गया। तो इस मौके उन्हें कहा है कि देह का उदों तक संस्कार नहीं किया जाएगा जिन्नी देर तक कातलों को नहीं फड़िया जाता। मैं उन्होंने मामा जी, ये 1:55 की वारदात है। 1:55 से विक्की रोटी घरे खाने गया, मगरों ये 3 बंदे अणपछते आए है। इन्होंने कहा समान ले लेना है तो बूहा खोलो। कुड़ी ने सेंसर का ला के शीशे बंद करके तो अंदरले पासे बैठी सी, उन्हें बूहा नहीं खोलिया। उन्हें टेलीफोन करता विक्की नू बी शकी बंदे आए है, भी बंदे अगे होके गए है तो तू आ जा। भी विक्की मोटरसाइकिल लैके घरों इत्थे आया, इन्हें देखा भी वो बंदे खड़े आ पौड़ियां च 15-20 मिनट डिगदे रहे। विक्की अंदर जो जान लगा नाल ही वो अंदर जा वड़े, वो जाके 3 जने बह गए तो समान देखन लग गए। 2 मिनटा बाद 2 बंदे फिर नवें 3 ते 2 5 वो बंदे आए है। वो अंदर आन के कहन लगे भी सानू चेन दिखाओ, ये चेना दिखाने लग गया। तो विक्की नू शक पै गया भी ये बंदे शकी है भी खतरनाक है। विक्की ने टेक का टेलीफोन ला के उत्ते मुंडे नू सदन लग गया, तीसरी मंजिल से मुंडा बैठा है ताकि मेरी हैल्प कोई करे। एक कुड़ी नू इशारा किया भी तू ना जो हूटर लगा हुआ है उन्होंने स्टार्ट कर दी। वो कुड़ी हूटर जलाउण लगी, उन्होंने बंदियां ने देख लिया तो इन्हें कुड़ी नूं फड़ के खिंच के अंदर लै गए ते इहदे गोली मारी। गोली मार के इहनूं धक्का दे के थल्ले सिटता। इहदा रिवाल्वर चक के इहदे 2 गोलियां होर मारियां ते जांदे होए समान चक के लै गए। इन्हें कुड़ी ने इन बिटवीन थोड़े सेंसर ला के शीशे फेर बंद करते ते उन्होंने 5 मिनटां बाद वो शीशे भन्न के बाहर निकल गए। एक तो इधर नूं गया इस गली च, बाकी 4 जने मोटरसाइकिलों से गए है। इत्थे गुरद्वारा खालसा चिकर उन्होंने आई है वीडियो, बाकी सारी इंक्वायरी पुलिस चल रही है। समान ले गए तकरीबन 10 चेना ही घट्टो घट्ट मेरा 150-200 ग्राम की तो होगी। ये 500-400 ग्राम तो सोना है, घट्टो घट्ट 15-20 लाख रुपये का अंदाजा है बाकी रिवाल्वर भी लै गए इन्हों का। यदा रिवाल्वर विक्की का रिवाल्वर भी जोड़ा ये चला लगा सी, वो रिवाल्वर भी नाल लै गए। पहला उन्होंने आपदे रिवाल्वर ना मारी है, मगरों विक्की का रिवाल्वर थले डिप्पया सी क्योंकि जो थले उन्हें विक्की ने कहा भी मैनू मारो ना, तुसीं जिहड़ा जाना लै जाओ। एक तो माँ जी वो 2 साल तो एक घरड़ी है, एक मुंडा कनेडा च गया वो बहुत फसा रहा कल, एक कुड़ी है बस। बहुत नाइस परिवार सी बस। हाँ जी सर मैं उपर सी 2 बजे की गल है जी। मैं 2 बजे उपर थल्ले उतरिया सी, थल्ले उतर के मैं जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करन लग्या सी। सर मैनू फोन आया उतों, जो फोन आया मैं फोन चक्या, इन्होंने जीन झगाड़ा छड्या होया सी बहुत ज़्यादा। मैं अंदर पहुँचने की कोशिश की, शीशे के कोले भज के मेरे वल्ली नू आया। जो भज गया मैं थले उतर के डाई मार के भज पिया, रोला पाता जी। रोला पाने तो बाद तो उन्होंने मैं इट्टा भी चलाई बाहर भज्जे आ दो जने पहला भज्जे दो जने बाद भज्जे आ बाहर जी वो इधर नूं भज के लैके जी। हाँ जी विक्की का ही बहुत सी गोली वजी सी थल्ले डिगे पे सी जी। मैडम उन्होंने अंदर ता बिठाता सी कहता मैं तू बोलना नहीं है जी। उन्होंने लॉक भन्निया जी लॉक भन्ने के पिछों भज्जे आ फिर जी। समान सारा ऐ तो पता नहीं सी समान सारा स्टॉक मूहरे लग्या सी सारा और लै गए। मैं वो तीजे अपने तीजे मंजे का सर उपर सी। हाँ जी बाहर दी है सर पौड़िया दी है। हाँ जी सर फोन किया जो फोन किया मैं उदो कुदरती थले आ गया सी थले आउण मैं रोटी खाण चलिया सी। मैनूं जदों उन्होंने फोन किया मैं फोन तो नाल ही जल्दी भज्जण दी दुकान ते आया भी कई हो गया गल। विक्की ने कुछ नहीं बोले सी मैनूं आवाज़ां ही सुनिया सी जदों भी चींग जगारा छड्डिया बहुत ज़्यादा जी। मैनूं आवाज़ां सुणन दे नाल ही मैं भज्जिया उधरों भज्ज गए। मौके ते पहुंचे एसएसपी मोगा ने विश्वास दिवाया है कि कातलां नूं जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा जिस लई पुलिस पूरी चौकसी नाल काम कर रही है। अफसोस की गल है दुख की गल है लेकिन SSP साहब तो इन्हों की जी तफ्तीशी टीम है वो बड़े मेटिकुलसली हैंडल कर रही है। इसलिए आया साड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और ये प्रोग्रेस जी ठीक चल रही है। उम्मीद है कि जड़े भी वारदात इनवॉल्व ने क्रिमिनल्स उन्होंने जल्दी फड़ लेंगे। मोगा तो दिलीप कुमार की रिपोर्ट स्पोक्समैन TV।